एक बोटी है ना, बोट दूध। गाइस ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज हम जा रहे हैं भावलपुर अपने अब्बू जान के साथ। अब हम जाएंगे, थोड़ा काम है वहाँ पे, मेडिसिन लेनी है और मेडिकल स्टोर हम अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं, बनाएंगे तो उसका थोड़ा सा काम है वो लेंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप वीडियो देखें, इंजॉय करें। मैं रेडी होके फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी होके आ चुका हूँ यहाँ चौक पे। मेल्स चौक है जो हमारा मेन चौक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएगी। जैसे ही वो बस आएगी फिर हम चलेंगे भावलपुर की तरफ। और ये चौक है, यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, हमारे टाइप की गाड़ी नहीं आई कि जैसे ही गाड़ी आएगी हम फौरन चले जाएँगे। और ऐसी उस तरफ से आएगी, उस साइड से, ये तो कराची से आ रही है, ठीक है। अब ये लाहौर की तरफ जाएगी और ये वाले भावलपुर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे अब्बू जान बैठे हैं, ठीक है। और ये मैंने टीन पैक मंगवाया है, ये टीन पैक पीऊँगा और ये मेरे अब्बू चाय पियेंगे, ठीक है। और अब हम ये रिपोर्टें चेक करवाने के लिए जा रहे हैं। मज़ेदार आ चुकी है गाड़ी, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो जी हाँ गाइस, आज का सफ़र हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हम जा रहे थे अंदर गाड़ी में और मैं बहुत थक गया था। मैं पहले भी सफ़र करके आया हुआ था कहीं से, तो मैं भावलपुर जा रहा था अब्बू जान के साथ। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो सामने से ड्राइवर देखने लग गया था, तो सब लड़के और लड़कियाँ मुझे देखने लग गई, मेरी तरफ़ तवज्जो कर रही थी, बट मैं क्या करता। मैंने तो कुछ नहीं किया, आके बैठ गया। ये सब सो रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एंजॉय करूं, फिर मैं भी एंजॉय करने लग गया। गाइस तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं गधा रेड़ी पे बैठा हुआ हूँ। तो बस मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। ये है भावलपुर का फुआरा चौक। बहुत ही बुरा बैठा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बैठा हूँ। गाइस ये हालात हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, एक तो रश्के की ब्रेक नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। मन झूम झूम तन झूम झूम लाए। मोबाइल नया लेना पड़ेगा गाइस, प्यार दें नया मोबाइल। ये रहा हमारा खाना और ये मेरे स्वीट से डैड हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब था कि कब खाऊंगा, और फाइनली मैंने खाना शुरू कर ही दिया। इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय कर रहा था, आए हाय कसम से मज़ेदार मज़ेदार। तो यहाँ पर मैं ऐसे खा रहा था जैसे कि जानवर खाते हैं, बट मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं भूख से मर रहा था इसलिए। सब कुछ मैंने ही खाया था, बस अबू जान ने एक नवाला लगाया। तो ये मैंने यहाँ पे खा लिया, ठीक है। और अबू पार्सल करवाने के लिए गया हूँ, और वो पिज़्ज़ा और ये फिर हम घर जा कर खाएंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया, भावलपुर है और मैं गाइस इस गाड़ी में आया। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं घर, और हाँ मैं आपसे बाद में मिलता हूं, पहले पिज़्ज़े का टाइम हो रहा है, पेट कुछ खाना है, वो खाना जाए इसलिए मैं जा रहा हूं। आपको वीडियो बाद में दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा वीडियो, फिर हम बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आए हाय हाय भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, देख लो कोई नहीं है। तो भाई साहब इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, आए हाय 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 क्या मज़ा आ रहा था खाने का कसम से, आए हाय हाय मज़ेदार ज़बरदस्त मज़ेदार। तो मैंने यहाँ पर इतना खा लिया था कि मैंने कभी ज़िंदगी में इतना नहीं खाया था।
देख रहे हो पेट निकलता आ रहा है। तो फाइनली गाइस उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। और अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, टाटा बाय बाय।